नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास शर्मा, होम्योपैथिक डॉक्टर, और आज चर्चा शुरू करते हैं कॉन्स्टिपेशन और होम्योपैथी के ऊपर। ये जानते हैं कि होम्योपैथी कैसे कॉन्स्टिपेशन से हमें राहत दे सकती है और कौन सी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो कॉन्स्टिपेशन को परमानेंटली ठीक कर सकती हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड बीमारी है। बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन ना होते हुए भी कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है जो बहुत सारे पेशेंट्स में मैं देखता हूँ। अक्सर देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन होती नहीं है, पर फिर भी लोग उसको कॉन्स्टिपेशन मान के लेक्सेटिव्स पे आ जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण होता है जिससे अल्टीमेटली उनकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो हो जाती हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है। तो यूज़ ऑफ लेक्सेटिव्स दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण होता है, यूज़ भी नहीं कहूँगा, मिस यूज़ कहूँगा। अक्सर ये प्रॉब्लम मैंने देखी है ऑफिस गोअर्स में होती है, जो कि उनको ये लगता है कि सुबह उठते सार हमारा पेट साफ होना चाहिए या ऑफिस जाने से पहले उनका पेट क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, हमारी बॉडी इस टाइम को नहीं मानती है और हमारी डाइजेशन के अपने रूल्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हमें सुबह ही पेट साफ हो, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन, ये सोचना कि कॉन्स्टिपेशन है मुझे क्योंकि मेरा पेट सुबह साफ नहीं हुआ, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लोग बहुत सारी गलत दवाइयाँ खाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेना कि ज़रूरी नहीं है कि सुबह स्टूल आए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ स्टूल आए। दो दिन में एक बार ही आ सकता है, तीन दिन में एक बार ही आ सकता है। साइंस तो ये कहती है कि हफ्ते में आपको दो बार ही आ रहा है तो वो भी ठीक है। आइए दोस्तों जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है डिक्रीज्ड इनटेक ऑफ फाइबर, यानी कि हम पत्तेदार सब्जियाँ या पत्तेदार चीज़ें कम खाते हैं, हमारी बॉडी को फाइबर कम मिल रहा है, पानी कम ले रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का। दूसरा बड़ा कारण होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपका थायरॉयड ग्लैंड लो फंक्शन कर रहा है, जिसे हाइपोफंक्शनिंग कहते हैं, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन का एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण दोस्तों मेडिकेशंस होती हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस, एसिडिटी की मेडिसिंस, कुछ वाइटामिन्स, पेन किलर्स, ये सब आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज ना करना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का, या कुछ लोगों में ज़्यादा एक्सरसाइज करने के कारण वो पानी बहुत लूज करते हैं स्वेट में, उसके कारण भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा कारण होता है यूज़ ऑफ लेक्सेटिव्स, यानी कि आप दवाइयाँ ले रहे हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं अपने पेट को साफ करने के लिए। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जो लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देता है। इमीडिएटली तो रिलीफ दे देता है, बट लॉन्ग टर्म आपकी इंटेस्टाइन स्लो हो जाती हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है, और वो बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन होती है जिसको बाद में ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, डायबिटीज भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। डायबिटीज स्लोली आपके इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को स्लो कर देती है और आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है। एक और कारण जो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, और वो कारण नहीं होता, हमारा अपना बिहेवियर होता है। कुछ लोग अपने स्टूल को होल्ड करते हैं, या जब उनको अर्ज होती है तब नहीं जाते हैं। दोस्तों, जो स्टूल होता है, जब वो हमारे एलिमेंट्री कनाल के टर्मिनल पार्ट यानी कि एंड पार्ट में, कोलन में पहुंचा होता है, तो कोलन का फंक्शन होता है कि स्टूल में से पानी अब्सॉर्ब करना। तो अगर बहुत देर स्टूल हमारा वहां पड़ा रहे और आप अर्ज को होल्ड करके बैठे हैं, तो स्टूल में से पानी निकल जाता है और स्टूल हार्ड हो जाता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी आपको अर्ज हो, कोशिश करिए उसी समय जाइए, ताकि आपको स्टूल हार्ड ना हो। तो दोस्तों, ये थी चर्चा causes of constipation, यानी कि किन कारणों से constipation होती है। तो हमने जान लिया कि फाइबर कम लेने से, एक्सरसाइज ना करने से, और पानी कम पीने से हमें constipation हो सकती है। दोस्तों, ये सब lifestyle modifications में आते हैं, तो आप इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे cases constipation के lifestyle modification, यानी कि ज़्यादा फाइबर लेने से या पानी ज़्यादा लेने से, एक्सरसाइज करने से ही ठीक हो जाते हैं, उनको दवाइयों पर नहीं आना पड़ता। पर अगर आप ये सब मेजर्स कर चुके हैं, ये सब चीज़ें अपना चुके हैं, फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो दोस्तों होम्योपैथी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। तो आइए जानते हैं होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिंस हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन में हेल्प कर सकती हैं, यानी कि आपकी कब्ज़ को ठीक कर सकती हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एल्यूमिना। एल्यूमिना बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में, सब लोगों में काम आती है और तकरीबन हर तरह की कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देती है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो एल्यूमिना का होता है, वो ये होता है कि आपको स्टूल पास करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। इवन सॉफ्ट स्टूल को पास करने के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है। आपको बहुत बहुत देर, 10-10, 15-15 मिनट पॉट पे बैठे रहना पड़ता है और जोर लगाना पड़ता है सॉफ्ट स्टूल को पास करने के लिए भी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम होता है।
दोस्तों एल्यूमिना नर्सिंग बेबीज में भी दी जाती है, बहुत छोटे बच्चे इन्फेंट्स में कॉन्स्टिपेशन बहुत अक्सर होती है और उनको शीप डंग लाइक स्टूल होता है, जैसे शीप का स्टूल होता है बॉल्स लाइक, उस तरह का स्टूल होता है, वहां पर भी एल्यूमिना बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों हार्ट स्टूल में भी एल्यूमिना दी जाती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है जहां पर जोर लगाना पड़ता है सॉफ्ट स्टूल को पास करने के लिए। सेकेंड दवाई जिस पे हम आएंगे वो है नक्सवामिका। दोस्तों नक्सवामिका दी जाती है जहां पे इनफेक्चुअल डिजायर है। इनफेक्चुअल डिजायर हम बोलते हैं जहां आपको एक बार ही जाते हैं, स्टूल थोड़ा पास करते हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं होती, आपको लगता है कि मैंने पूरी तरह स्टूल नहीं पास किया, पर आपको उठना पड़ता है पॉट से और फिर आधे घंटे एक घंटे के बाद फिर डिजायर होती है। ऐसे सुबह आपको कई बार ही होगा, तो दोस्तों वहां पर नक्सवामिका बहुत हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों तीसरी दवाई जिसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा वो है ब्रायोनिया। दोस्तों ब्रायोनिया दी जाती है जहां पर बहुत ज्यादा ड्राई स्टूल हो, ड्राई और हार्ड स्टूल हो, वहां पर ब्रायोनिया यूज की जाती है। और एक और करेक्टरिस्टिक ब्रायोनिया को इंडिकेट करता है वो है लार्ज स्टूल। अगर आपको ड्राई स्टूल हो रहा है, बहुत हार्ड है और लार्ज स्टूल आ रहा है, उसे वहां पर हम ब्रायोनिया बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और बहुत राहत देती है। दोस्तों चौथी दवाई जिस पे हम आएंगे वो है सिलिशिया। सिलिशिया बहुत इफेक्टिव होती है जहां पर कॉन्स्टिपेशन बहुत सिवियर हो जाती है। पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने बहुत बारी ये यूज की है मेडिसिन, जहां पर स्टूल इतना हार्ड हो जाता है कि मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है, पेंसिल के साथ या उंगली के साथ पेशेंट रिमूव करता है, वहां पर सिलिशिया बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों एक और मेडिसिन होती है जिसको हम एल्यूमेन बोलते हैं, ALUMEN। ये एल्यूमिना से डिफरेंट होती है, ये वहां पर इंडिकेट होती है जहां पर कॉन्स्टिपेशन बहुत सिवियर होती है और हफ्ते तक पेशेंट को स्टूल नहीं आता, दोस्तों वहां पर एल्यूमेन बहुत इफेक्टिव होती है। तो दोस्तों ये थी चर्चा आज की कॉन्स्टिपेशन और होम्योपैथी के ऊपर, और जिन मेडिसिन के बारे में हमने जिक्र किया है उनको आप बहुत सेफली यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में, दिन में एक या दो दफा ले सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या आए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं vikas@doctorhomeo.com पे, या आप हमें नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें। अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों नमस्कार।